हां जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो साहब अपने सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आर ट्रांसपोर्ट कंपनी यूज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रक टी वन टी टू एंड टी थ्री ट्रांसपोर्ट थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वी वन वी टू एंड वी थ्री द कैपेसिटी ऑफ एच ट्रक इन टर्म्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल इज गिवन बिलो तो ट्रक वन ट्रक टू ट्रक थ्री आपको दिया हुआ है और ये व्हीकल्स आपके पास में कि आपके पास में व्हीकल्स वन ट्रक वन में कितना आ रहा है ट्रक वन में व्हीकल्स टू कितना आ जाएगा ट्रक वन में व्हीकल्स थ्री कितना आ जाएगा तो हर ट्रक में हर व्हीकल्स की कैपेसिटी कितनी है वो आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है बनाना नहीं है गिवन है आपको यूजिंग द मैट्रिक्स मैथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ द ईस्ट टाइप ऑफ इस टाइप विच कैन बी ट्रांस ट्रांसपोर्टेड इफ कंपनी हैज एंड ट्रक्स ऑफ़ इस टाइप रिस्पेक्टिवली क्लियर है जी कंपनी के पास में आ, तीनों टाइप के जो ट्रक हैं वो दस बीस और तीस ट्रक है तो यहां पर आप इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें अभी तो, तो क्वेश्चन कुछ करवा ही नहीं मैंने चलिए करो जरा करिए जरा इसको सॉल्व व्हीकल वन वन थर्टी वन फिफ्टी एंड वन नहीं ये आंसर नहीं है अच्छा क्वेश्चन है बहुत कुछ क्लियर होगा यहाँ से आपको 130 150 10 नहीं चलिए मैं सॉल्व करवाऊँ नेहा गुप्ता एक सौ तीस एक सौ पचास एक सौ तीस नहीं जी चलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं इसको हाँ जी तो देखिएगा हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर है और यहां पर हम जो है मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है

कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक इन टर्म्स ऑफ से बताने की कोशिश भी की गई है कि हर ट्रक की कैपेसिटी कितनी है व्हीकल्स की जैसे कि आपको यहां बताया गया है कि ट्रक वन व्हीकल्स वन को अगर कैरी करता है तो वन करेगा व्हीकल्स टू अगर कैरी करता है तो वो तीन व्हीकल्स कैरी कर लेगा और व्हीकल थ्री को अगर कैरी करता है तो वो दो कैरी कर पाएगा ट्रक टू की कैपेसिटी बता रहा है कि अगर वो व्हीकल वन को अगर कैरी करेगा तो दो कैरी कर पाएगा व्हीकल टू को कैरी करेगा तो दो और व्हीकल थ्री को कैरी करेगा तो तीन कर पाएगा और ऐसी से ट्रक तीन के बारे में बता रहा है कि व्हीकल वन को तीन व्हीकल दो को दो और व्हीकल तीन की बात करें तो ये आपको दो कैरी कर पाएगा तो हर ट्रक ईच टाइप्स ऑफ व्हीकल्स की कैपेसिटी उसकी क्या है ये बताया हुआ है आपको मैट्रिक्स के थ्रू और कह रहा है यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड ज द टेन ट्वेंटी एंड थर्टी ट्रक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ रिस्पेक्टिवली कंपनी के पास में तीन तरीके के ट्रक है ट्रक वन कितने हैं, दस ट्रक टू कितने इसके पास में बीस और ट्रक थ्री कितने तीस मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर मैं बताता हूँ आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो उसको जरा समझिएगा लास्ट यही इसलिए तो सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं क्योंकि आपको एक, एक चीज क्लियर हो जाए देखिए विजिबिलिटी यहां भी अच्छी है कोई इशू नहीं आना चाहिए ठीक है जी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूं सबसे पहले जो आपने किया है आपने क्या गलती की है मैं वो बता रहा हूं उसके बाद करेक्शन कैसे होगा मैं उस बात पर चर्चा करूंगा देखिए आप क्या कर रहे हैं आपके पास सीधा एक मैट्रिक्स उठ करके आ गया है और आपने यहां पर कुछ भी नहीं सोचा और वी वन वी टू एंड वी थ्री ट्रक वन की कैपेसिटी है वी वन को वन वी टू की थ्री एंड वी थ्री की टू और ट्रक टू की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास पे है टू हमारे पास पे, टू, हमारे पास पे टू और हमारे पास में क्या थ्री और ट्रक थ्री की जो हमारे पास पे कैपेसिटी है वो हमारे पास पे थ्री टू और टू क्लियर है जी ये बात आप समझे कोई डाउट किसी बच्चे को तो ये आपके पास में गिवन था तो आपने इसको रखा उसमें कोई छेड़खानी नहीं की और आपने ये भी आपने ये जरूर नोटिस करा कि मेरे पास में थ्री बाय थ्री का थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स है और आपके पास में यहां पर क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ ट्रक्स दिए हुए हैं आपके पास में और आपने आपको मालूम है कि थ्री बाय थ्री का है तो जो ये है आपके पास में थ्री कॉलम है तो रो भी थ्री होना चाहिए तो रो थ्री आपने इस तरीके से डेवलप कर दिया किस तरीके से आपने यहां पर लिया ट्रक वन कितना है आपका टी वन दस टी टू कितना है आपके पास में बीस और टी थ्री कितना है आपके पास में तीस मेरी बात समझे यहां तक तो आप बिल्कुल सही सोचा आपने कि थ्री, थ्री का से थ्री का एक और आपको पता है कि आप जो बता रहे वो आपका आंसर आ रहा है कि इस टाइप ऑफ व्हीकल कितना ट्रांसपोर्ट हो पाएगा पर आपके गड़बड़ कहां हुई आप इस बात को जरा समझिएगा मैं अहम बात बता रहा हूं हमेशा इस बात का आप यहां पर ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर कॉलम होते हैं वो वहां पर रो होने चाहिए मेरी बात समझिएगा यहां पर आपके जो कॉलम का नाम क्या है यहां पर ऊपर जो यहां पर होरिजोनटल आपने यहां पर जो नेम प्लॉट करा यहां पर क्या होना चाहिए वो वो यहां पर आपका इस तरीके से आपका वर्टिकल होना चाहिए मेरा कहने का मतलब है जो आपने कॉलम का नाम रखा है वहां पर वो रो का नाम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है एक बार बताओ मुझे सिंपल सी बताओ मुझे दस रुपए और पांच साल को पांच वर्ष को गुणा कर सकते हो क्या आप क्या बोलोगे पचास रुपए वर्ष है ये क्या बात हुई भाई ये तो गलत है ना तो एक बार बताओ मुझे आप यहां पर एक चीज मुझे क्लियर आप यहां पर आप करें कि यहां पर आपके पास में एक ट्रक व्हीकल वन की कैपेसिटी है ठीक है ना तो ट्रक वन आपके पास में दस है तो इस तरीके से आप यहां पर किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें टेन जीरो जीरो आंसर नहीं है बिल्कुल एक सौ चालीस एक सौ तीस और आपका एक सौ चालीस ये सही आंसर है तो आपको ये बात पहले अच्छे से क्लियर हुआ कि जो यहां का क्या है कॉलम उसका क्या बनना चाहिए वो रो होना चाहिए ये बात क्लियर है आपको कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज आप इसका आप आंसर करेंगे क्लियर है जी एक बार देख लीजिए समझ लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मैं थोड़ा स्लो चलना चाहूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाए आपको जब भी सोचा चाहिए मल्टीप्लाई कर रहे हो आपने क्या करा दस ठीक है फिर आप प्लस क्यों कर रहे हो बताइए आप V1 आपके पास तो कितना दो और तीस ये भी आपके पास में साठ आ गया तो एक सौ बीस और आप क्या कह रहे हो उसके बारे में आप इसके बारे में एक सौ तीस कह रहे थे जो कमेंट में बच्चे मुझे कर रहे थे एक सौ तीस पहले जो कमेंट मुझे पहले आया था

अगर आपने यहां पर इसको किस में लिया है इसमें अगर आपने इसको रो में लिया तो यहां पर आप कॉलम में लीजिए टी वन टी टू एंड टी थ्री इसलिए ट्रांसपोज करने की रिक्वायरमेंट होती है जब मैंने आपको पढ़ाया था कि हम मेट्रिक का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं क्या जरूरत है मेट्री ट्रांसपोज करने का आपको समझ में आया कि क्यों नीड होती है इसलिए नीड होती है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका रो है तो क्या जाएगा कॉलम हो जाएगा आपका बात समझे तो क्या हो जाएगा ये रो वन थ्री टू तो आपके पास में ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा वन थ्री टू क्लियर है और व्हीकल ट्रक वन में व्हीकल वन व्हीकल टू एंड व्हीकल थ्री अभी भी वही मैसेज जाएगा आपका बट अब आप मल्टीप्लाई होना पॉसिबल हो जाएगा कि ट्रक वन में व्हीकल वन कितना है एक ट्रक वन में ही व्हीकल टू कितना है तीन ट्रक वन में ही व्हीकल टू तीन है वही मैसेज आएगा क्लियर है जी अब इसी को रो को कॉलम कर दीजिए आप क्या टू टू एंड थ्री और यहां पर आप क्या करेंगे थ्री टू एंड टू

यहां पर व्हीकल वन दो आते हैं और ऐसे कितने ट्रक टू हैं ऐसे ट्रक टू मेरे पास में बीस है तो एक में दो आते तो बीस में चालीस आ जाएंगे मेरे पास व्हीकल कितने जाएंगे ट्रक में? वन? वन ट्रक में में मेरे समझे व्हीकल व्हीकल और कितने आते हैं थ्री आते हैं और ट्रक थ्री कितने हैं तीस है तो मेरे पास में ट्रक थ्री तीस है और एक ट्रक में मैं तीन व्हीकल ले रहा हूं तो मेरे पास में नब्बे हुआ या नहीं हुआ मेरे पास में नब्बे हो गया तो यही है कि ट्रक वन में व्हीकल वन एक होता है तो दस ट्रक हैं मेरे पास में ट्रक वन दस है तो मेरे पास में दस व्हीकल हो जाएगा वी वन का वी वन मेरे पास में दो व्हीकल्स आते हैं ट्रक टू में और ऐसे मेरे पास में ट्रक टू बीस है तो मेरे पास में इस तरीके से इच में अगर दो आएगा मेरे पास में वी वन तो मेरे पास में कितने जाएंगे चालीस वी वन की बात हो रही है तो ये बात क्या है वी वन है ये मेरी बात समझे क्लियर है और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि मेरे पास में वी वन तीसरे ट्रक में कितना आएगा टोटल वी वन में कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं क्लियर है जी कोई डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपके पास में क्या है ये थ्री अब आप जैसे बताए रो पे आएंगे तो आप नीचे यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तीन इंटू दस क्या जाएगा तीस प्लस दो इंटू बीस चालीस प्लस दो इंटू तीस साठ और इसी तरीके से दो इंटू दस बीस प्लस तीन इंटू बीस साठ प्लस दो इंटू तीस साठ तो ये मेरे पास में वी टू टोटल हो गया वी थ्री टोटल ट्रांसपोर्टेड हो गया तो सॉल्व करेंगे वी वन वी टू एंड वी थ्री ये मेरे पास में क्या आ रहा है मेरे पास में एक सौ तीस एक सौ चालीस आएगा और मेरे पास में यहाँ पर सौ एक सौ तीस आ रहा है और मेरे पास में यहाँ पर एक सौ बीस और आप सौ चालीस आ रहा है ये मेरा करेक्ट आंसर है भाई आप कुछ अंडरस्टैंडिंग लेकर के आ रहे हैं बात समझ रहे हो कुछ बात आप कुछ चीजें क्लियर आपको हो पा रही है ट्रांसपोज करने का रीजन क्या था उसको समझिएगा हमेशा एक बात का ध्यान रखें बच्चे क्या कि जो जो आपके पास में यहां पर कॉलम में डिवाइड है वो अगले का रो होना चाहिए बस शॉर्ट तरीका यही है क्लियर है बट आप सीधा यहां पर लिख रहे हैं दिस वन और ये आपके पास में नंबर ऑफ ट्रक है ट्रक वन आपका दस है ट्रक टू आपका बीस है ट्रक थ्री आपका तीस है तो आप एक बात देखिएगा आपके कॉलम में व्हीकल्स है और आपके पास में यहाँ पर क्या आपके पास में आ, रो में ट्रक है नहीं दोनों सिमिलर होना चाहिए जो आपके कॉलम में वही यहाँ पर रो में होना चाहिए डिफरेंट बट यहां देखिएगा ट्रक कॉलम में है ट्रक रो में था इसलिए इसको ट्रांसफर करना पड़ा तो दूसरा इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप इस बात को जरा समझने की आप एक बार और कोशिश कर लीजिए तो और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे कोई बात नहीं जितना समय लेंगे आप लीजिए इसमें मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पास में समय कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों एग्जाम है जो कि पंद्रह दिनों के बाद उनके पेपर हो जाएंगे तो मेरे दो तीन सब्जेक्ट अब वहां से बैच मेरा हो जाएगा एग्जाम तो मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपके साथ में तो रेगुलर टाइम देकर के भी चीजों को खींच सकता हूँ आगे तो आगे मतलब कि नेक्स्ट मंथ में बट रिक्वायरमेंट होगी तब फिलहाल तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है सिलेबस को लेकर आप आराम से पहले समझिएगा अब देखिएगा अगर चलिए आपके ही कहने पर जो आप कर रहे थे उसी को मैं करके एक बार दिखाता हूं क्या करा आपने T1 T2 टी टू एंड टी थ्री आपने यहां तो ये तो आपने बिल्कुल सही मैट्रिक्स बना लिया था बट आप मल्टीप्लाई करने वक्त आपको सोचना था आप कर क्या रहे हो आपने ट्रक वन व्हीकल वन कितना है वन आपने मल्टीप्लाई कर दिया अगर दस ट्रक है ट्रक वन के तो दस व्हीकल हो गए वन क्योंकि ट्रक वन में व्हीकल वन एक आता है तो दस ट्रक हो गए वन के तो दस व्हीकल वन हमारे पास में वी की बात कर रहा हूं पहले दस हो गए अब आप क्या कर रहे हो वी वन दस हो गए अब कर रहे हो आप इसको फिर आप किस इससे मल्टीप्लाई तो मतलब कि यहां पर क्या हो गया वहीकल टू को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप बीस से कि मेरे ट्रक वन में व्हीकल टू तीन आता है तो ट्रक टू चला रहा हूं मैं तो भैया ट्रक टू यहां पर मेरा चल रहा है तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं जब बात ट्रक वन में, में मेरे नंबर व्हीकल नंबर टू है तो जितने नंबर ऑफ ट्रक वन होगा उसी से तो मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ व्हीकल आएंगे मेरे पास में मेरे वन ट्रक वन में व्हीकल टू आता है ठीक है तो मैं ट्रक टू से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा इसको मेरा तीन तो मैं साठ व्हीकल कैसे कह सकता हूं कि टू आएगा? ट्रक वन में आता है क्योंकि यहां पर आप देखो जो मैंने करा उससे क्या फर्क पड़ा उसके आपको फर्क क्या पड़ा उस बात को जरा समझिएगा ट्रक वन मल्टीप्लाई ट्रक वन को कर रहा है ट्रक टू मल्टीप्लाई बाय ट्रक टू कर रहा है ट्रक थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्रक थ्री को कर रहा है समझे क्लियर है यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रक वन मल्टीप्लाई ट्रक वन तो इस तरीके से आपका होता है जो चीज है सेम यूनिट को मल्टीप्लाई करेगी डिफरेंट यूनिट को मल्टीप्लाई नहीं करेगी इसी बात पर आप जो है अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ जाइए और आपके सामने क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल क्वेश्चन है कोई सॉल्यूशन कोई आंसर नहीं है आप अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए और इसको रख करके आप दिखाइए एग्जाम आपका मई में है तो आपके पास में फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम है तो मैं 25 अप्रैल तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा 25 जो है अप्रैल को मैं तेज लेकर के चला अगर तो जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए समस्या आ जाएगी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जरा देखें आप क्वेश्चन को देर आर टू फैमिलीज ए एंड बी देर आर फोर मैन सिक्स वुमेन एंड टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली ए एंड बी जरा आप पहले सॉल्व करें इसको फिर समझाता हूं Done. देखिए मैं करवाता हूं आपको क्या क्या करेंगे आप हाँ जी देखिए जरा आपके पास से क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से फेजिलिटीज की होगी हाँ जी देखिए जरा क्वेश्चन क्या है देर आर टू फैमिलीज ए एंड बी देर आर फोर मैन सिक्स वुमेन एंड टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली क्वेश्चन करते करते ना आपको सोच विचार नहीं करना पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले एक वो चीज जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना अंदर उसको हम कॉलम वाइज अरेंज करते हैं और वो मेन चीज जिसके अंदर है उसको हम रो में रखते हैं स्टार्टिंग में जनरली हम हमारा ऐसा रहता है तो यहां पर मैं फैमिली ए ले रहा हूं और मैं फैमिली बी ले रहा हूं फैमिली ए में सबसे पहले क्या कह रहा है देर आर द टू फैमिली ए एंड बी देर आर द फोर मैन बात कर रहा हूं मैन का फैमिली ए में फोर मैन है फोर मैन सिक्स वुमेन वुमेन कितनी है सिक्स एंड चिल्ड्रन कितने यहां पर दो इन अ फैमिली ए एंड द टू मैन एंड टू मैन टू वुमेन एंड द फोर चिल्ड्रन फैमिली बी क्लियर है अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास में जो ये है किससे बनाया मैंने इसको मैंने बनाया टू क्रॉस थ्री में बनाया मैंने खैर मेरे पास में यहाँ दो टाइप की जानकारी है एक तो दो फैमिली है तीन प्रकार के जेंडर्स उसमें जो है उसको क्लासिफाइड करा हुआ है तो टू थ्री या थ्री टू मेरे पास बन सकता था आगे बात करते हैं किसका मैंने क्या बताया आपको जब आपके पास में जो चीज आपके कॉलम कॉलम में अरेंज है उसको आप किस में लगाओगे उसको आप रो में लगाओगे ये बात ध्यान से आप सुन लीजिएगा उसको आप किस में लगाओगे आप उसको रो में लगाओगे कैसे ये आपका मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन मेरी बात समझे अब क्या कह रहा है यहां पर बात समझिएगा इस चीज को द रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट फॉर द कैलोरीज इज इज बात कर रहे हैं मैन की कैलोरीज की तो मैन की कैलोरीज कैलोरी चौबीस सो वुमेन उन्नीस सौ एंड चाइल्ड अट्ठारह सो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एंड फॉर द प्रोटीन फॉर प्रोटीन इज मैन फिफ्टी फाइव ग्राम वुमेन 45 ग्राम एंड चाइल्ड 33 ग्राम अब यहां पर इनकी क्या दी हुई है इनकी क्वांटिटी भी दी गई है इन ग्राम में क्लियर है तो कैलोरी एंड द फॉर द प्रोटीन प्रोटीन कितनी चाहिए अब प्रोटीन की बात कर रहा है ये बात किसी कर रहे हैं ये कैलोरी की बात हो रही थी अब बात कर रहे हैं प्रोटीन की तो प्रोटीन कितनी है प्रोटीन यहां पर मैन इज द 55 मैन इज द 55 एंड वुमेन इज द 45 एंड चाइल्ड इज दो चीजें थी कैलोरी और प्रोटीन दो अलग अलग चीजें हैं समझे अब आपके पास में देखिएगा दोनों मेट्रिक को अगर आप देखेंगे तो किस ऑर्डर में है ये ये आपके पे टू और थ्री है। पर आपके पास पे और क्रॉस क्रॉस है है पर एंड पहले था ये दोनों चीजें आप देखिए पहले का आपका कॉलम दूसरे का क्रॉस सिमिलर है सिर्फ ये नंबर में भी सिमिलर नहीं होना चाहिए क्लियर है ये टाइटल में भी आपका सिमिलर होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि यहां पर आपके पास में क्या है ये आपके पास में कॉलम है और यही चीज आपके पास यहाँ क्या बननी चाहिए आपके पास रो बननी चाहिए बात समझे क्लियर है तो फर्स्ट का को कॉलम और सेकंड का रो सिर्फ नंबर में ही इक्वल नहीं होना चाहिए बल्कि टाइटल में भी इक्वल होना चाहिए सिर्फ तीन, तीन नहीं होना चाहिए जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए बात समझे या नहीं समझे पिछले सवाल में क्या करा आपने आपने तीन बाय तीन का तो बना दिया बट यहां पर जो तीन है आप ये जो बना रहे थे तीन आप जो काउंट कर रहे थे पहले रो लिखते ना ये आपके ट्रक को बता रहा था और बाद में जो आपने बनाया तीन वो आपके पास पे किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था मेरी बात समझे नहीं समझे क्लियर है चलिए अब आप यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे बस आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और जो कि मल्टीप्लाई में भर भर के सीखा है कैसे जब देखिएगा सबसे तो पहले आ, मैं बात करता हूं यहां पर ये आपके पास है टू और थ्री है थ्री और टू है तो आपका किस

और यहाँ का कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोरी और प्रोटीन को तो समझ में आपको आया या नहीं आया कि कैसे आपका जो मैट्रिक्स बनेगा कितने का बनेगा ये फर्स्ट का और इसका लास्ट का टू क्रॉस टू का बनेगा ठीक है और दूसरी बात क्या रो पे क्या लिखे कॉलम पे क्या लिखेंगे भैया इसका टू किसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली को तो फैमिली और इसका कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है आपका आपका जो कैलोरीज एंड प्रोटीन तो यहाँ पर वही यह सेम चीज रहेंगी बात समझे तो यही तो यूज है मैट्रिक्स का इसलिए तो पढ़ रहे हो बिजनेस मैथ यही तो इसका यूज है बिजनेस मैथ्स का चलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे यहाँ पर पहले फर्स्ट रो को सभी कॉलम से आप मुलाकात करवा दीजिएगा क्लियर है तो यहां पर सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फैमिली ए के बारे में बात चलेगी तो फैमिली ए के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये कितने मैंने यहां पर चार मैंने ठीक है और यहां पर कैलोरीज कितने ले रहे हैं चौबीस तो ये क्या हो जाएगा आपका चौबीस सौ गुणा चार मेरी बात समझे क्लियर है थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं अब यहां पर सिक्स है एंड उन्नीस क्योंकि भैया आपके पास में ए फैमिलीज में सिक्स वुमेन है और एच वुमेन कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही है बाद में कैलोरी से कर रहा हूं उन्नीस सो सिक्स इंटू उन्नीस अब वैसे भी जो गुणा करना है आपको सीखा वो इस वैसे ही करो अब दो गुणा अठारह सो प्लस दो गुणा अठारह सो अभी रुको भैया रुको 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 सारा मल्टीप्लाई नहीं हुआ है आपको समझना होगा इस बात को क्लियर है ये अपने मल्टीप्लाई करा ना फर्स्ट को अभी सारे कॉलम से मुलाकात होती है सारे कॉलम के हर से मुलाकात होती है सारे मल्टीप्लाई में अब ये जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई करेगा क्लियर है बात प्रोटीन की तो कर ले तो चार इंटू पचपन थोड़ा मैं अलग कलर कर देता हूँ या फिर थोड़ा सा स्पेस कम लेना था चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी है मेरे पास में मैं दोबारा कर देता हूँ इसको ए और ये मेरे पास में कैलोरीज एंड प्रोटीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है कोशिश कीजिएगा बस समझने की तो चलिए पहला मेरा, चार इंटू चौबीस सौ गुणा ही करना है वहां पर कुछ रह नहीं जाता प्लस छ गुना उन्नीस सो छुना उन्नीस सौ प्लस दो गुना अठारह सो दो गुना अठारह सो क्लियर है जी अब आगे आपके पास में फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के हाई लिमिट से डिबाई कर दिया फर्स्ट हीरो सेकंड कॉलम से मुलाकात करेगा क्या चार गुना पचपन चार गुना पचपन छ गुना पैंतालीस छ गुना पैंतालीस और दो गुना तैतीस दो गुना तैतीस क्लियर है जी अब इसी तरीके से हम आएंगे अब सेकेंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास में क्या आएगा दो गुना चौबीस सौ प्लस दो गुणा उन्नीस सौ प्लस चार गुना अठारह सौ चार गुना अठारह सौ अब इसी तरीके से मेरा ये सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा दो गुना पचपन दो गुना पचपन प्लस दो गुना पैंतालीस दो गुना पैंतालीस और प्लस चार गुना तैतीस प्लस चार गुना तैतीस क्लियर है जी सॉल्व करते हैं यहां पर हम ए बी और यहां पर मेरे पास में क्या कैलोरीज है यहाँ पे मेरे पास में प्रोटीन है आप सॉल्व करते हैं यहां पर हम चौबीस अस्सी और चार सौ सोलह छियानवे सौ यहाँ तक क्लियर आपको ये क्लियर है या नहीं पहले बताइए अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें पहले देख लीजिए आप कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें ठीक है जी तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर छानवे सौ प्लस एक सौ चौदह ग्यारह हजार चार सौ और प्लस अठारह दुनी छत्तीस सौ यहाँ सॉल्व करेंगे पचपन चौके दो सौ और बीस दो सौ बीस प्लस पैंतालीस छके छः पंचे तीस और चौबीस और तीन सत्ताईस और प्लस करेंगे यहाँ पर आप छियासठ ठीक है क्लियर है और इधर अगर आप सॉल्व करते हैं तो चौबीस धूनी अड़तालीस सौ प्लस उन्नीस धूनी अड़तीस सौ और प्लस अठारह चौक बहत्तर सौ यहाँ सॉल्व करेंगे एक सौ दस प्लस नब्बे प्लस बारह बारह और एक तेरह एक सौ बत्तीस अब सेमिलर इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए और बी को तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम तो पहले आपका जीरो 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 छ चार दस दस और छोलह का छह और आपका बच गया एक तीन और आपके पास में एक चार चार और नौ तेरह और एक चौदह का चार और बच गया आपके पास में एक और एक और एक दो तो आपके पास में चौबीस हजार छह सौ आया यहाँ पे यहाँ सॉल्व करते हैं छ जीरो जीरो तो क्या आया छ सात तेरह तेरह और दो पंद्रह का दो और क्या आया आपके पास में एक और आपके पास में दो दो चार और एक क्या आ जाएगा पांच ठीक है यहाँ सॉल्व करेंगे जीरो 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 तो दो जीरो तो आपका सिमिलर ही रहेगा दो और आठ दस दस और आठ अट्ठारह का आठ और आपके पास में एक तो आपके पास में क्या रहा यहाँ पर सात और तीन दस दस और चार चौदह और एक आपके पास में पंद्रह सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा दो जीरो जीरो तो दो ही रहा तीन और नौ बारह बारह और एक तेरह का तीन और एक रहा और आपके पास में एक और एक दो और एक तीन ये आपका भैया फाइनल आंसर रहा आपके पास में कि फैमिली ए टोटल कैलोरीज फैमिली ए के पास में टोटल फैम जो है कैलोरीज कितनी जा रही है चौबीस हजार छ सौ और प्रोटीन कितना जा रहा है आपके पचपो छप्पन और फैमिली बी के पास टोटल कैलोरी कितनी गई है टोटल फैमिली बी को टोटल कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है पूरे हर बच्चे बूढ़े सबको मिलाकर के पंद्रह और प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है तीन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इस बात को जरा समझिएगा

इसी को तो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स क्या फायदा है यार मैट्रिक्स पढ़ने का इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लेक्स है उसको इतने इजिली तरीके से बता दिया क्वेश्चन था क्या आप समझिएगा इससे आप मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे मैट क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन ये था भैया दो फैमिली है एक फैमिली में जैसी बात है आदमी भी है औरत भी और बच्चे भी है तो फैमिली ए में कितने मैन है चार मैन है और सिक्स वुमेन है और दो बच्चे हैं इसी तरह तो की फैमिली बी भी, भी है उसके पास में भी दो मैन है और दो वुमेन है और चार बच्चे हैं और आगे बात ये कह रहा है कि एच मैन को जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो चौबीस सो एच वुमेन को उन्नीस सौ ईच चिल्ड्रन को अट्ठारह सौ अब प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है तो इसी तरीके से मैन वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अब सवाल यह कि ए को अपने परिवार को चलाने के लिए टोटल कितने कैलोरीज और टोटल कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी बी को अपने परिवार को चलाने के लिए टोटल कितने कैलोरीज और कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी दिस वन इज योर आंसर क्लियर है तो आपका मैट्रिक्स की हेल्थ तो हो पा रहा है ये चलिए द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर दैट कैन बी प्रोसीड्स पर आवर ऑन द देयर मशीन द ए बी एंड सी कह फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ थ्री प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर तीन टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास पी क्यू एंड आर ठीक है दैट कैन बी प्रोसीड पर आवर ऑन द थ्री मशीन ए बी सी तीन मशीन सी क्लियर है तो पी प्रोडक्ट ए मशीन 1 घंटे में 10 प्रोड्यूस कर सकता है सवाल मैट्रिक समझिए बी आपके पास में पी प्रोडक्ट बी मशीन 1 घंटे में अगर मैं ए मशीन से पी बनाऊंगा तो एक घंटे में 10 बनाएगा इसी अगर पी को मैं बी मशीन से बनाऊंगा तो घंटे में 12 बना देगा सेम प्रोडक्ट पी को अगर मैं सी मशीन से बनाऊंगा तो एक घंटे में 15 बना देगा बात करता हूं मैं यहां पर क्यू प्रोडक्ट की तो ये तीनों मशीन की पर पर आवर की कैपेसिटी है कि कौन सी मशीन पर आवर में किस प्रोडक्ट को कितना प्रोड्यूस कर सकती है क्लियर है जी चलिए आगे बढ़े चलिए अब पहले इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में एक और गेंद अब देखते हैं इस पर आप सिक्स मारते हैं या फिर आप आउट होते हैं चलिए करिए ज़रा इस क्वेश्चन को करें जल्दी से आंसर करें एक स्टूडेंट आंसर कर रहा है यहां पर कि ए उन्नीस सो, सो बिल्कुल करेक्ट एंड इक्कीस बिल्कुल करेक्ट एंड तेईस बिल्कुल करेक्ट जी भाई साक्षी तनवर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका देखेगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी यह तो आपको डायरेक्ट दे दिया है यहां तो कुछ आपको आप, कुछ ऐसा सोचना भी नहीं पड़ा कैसे जरा समझिएगा मैट्रिक्स आपको गिवन है हाँ हमेशा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं कर देते हैं पहले सिचुएशन अगर हमारे फेवर में नहीं होता तब जाकर ट्रांसपोज करके फेवर में लाने की कोशिश करते हैं मेरे पास में जो गिवन है वो क्या है अगर मैं चलिए यहीं कर देता हूँ ना जितना लिखने की आवश्यकता क्या होगी चलिए आगे क्या दिया हो? आपको क्वेश्चन समझ में आया है? पहले क्वेश्चन क्या है पहले बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है देखिए फॉलोविंग मैट्रिक्स गिवस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द थ्री प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर क्लियर उसका नाम क्या है पी क्यू आर जो की आपको यहाँ पर आपको यह, गिवन है ठीक है और दैट कैन बी प्रोसीड पर आवर ऑन द्री मशीन ए बी एंड सी प्रोड्यूस तो यहां पर देखो ए बी सी आपके तीन टाइप के तीन प्रोडक्ट तीन टाइप के मेरा मशीन भी है अगर मैं मशीन ए से अगर वन आवर का काम करवाऊं तो वो पी प्रोडक्ट को दस यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है मशीन बी अपने वन आवर में पी को ही बारह यूनिट प्रोड्यूस करेगा मशीन सी अपने कैपेसिटी अकॉर्डिंग पी को ही वन आवर में पंद्रह यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है और वही बात करेगी अगर मैं क्यू प्रोडक्ट की बात करूं तो वही मशीन वन आवर में थ्री यूनिट प्रोड्यूस करता है तो हर मशीन की अपने वन आवर की कैपेसिटी डिफरेंट है ईच प्रोडक्ट को लेकर के जो कि आपको दिया हुआ भी है डिटरमाइन बाय द यूजिंग द मेट्रिक एलजब्रा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस मतलब कि पी का टोटल कितना क्यू का कितना कितना uh, मतलब तो इतने आवर वर्क करेंगी जरा समझिएगा मेरे पास में क्या है एबीसी तो यही मेरे पास में कॉलम में कौन कौन है कॉलम मेरे पास में एबीसी है तो यहां पर मैं रो में भी क्या करूंगा एबीसी करूंगा क्लियर है बात समझे और एबीसी के आवर कितने मेरे पास में 50, आवर ए से काम करवा रहा हूं ठीक है क्लियर है क्लियर जी अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बात पहले समझिएगा और मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं फोर्टी सिक्स बी और फोर्टी एट सी क्लियर है ना हाँ क्लियर है ये काम करवा रहा हूं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले देखिएगा मेरे पास तो टेबल क्या है थ्री और क्रॉस थ्री और थ्री और ये मेरे पास है वन का पहली बात समझिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास से कॉलम है तो ये आपके जो है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है, ये रो है 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 भी थ्री टाइप्स ऑफ ऑफ डिफरेंट मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा बिल्कुल सेम तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है दूसरी बात आप मल्टीप्लाई करके भी क्या देखेंगे आपके पास में जो है ये ए ए से मल्टीप्लाई हो रहा है बी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है सी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस बात को समझिएगा बिल्कुल आप सही एंगल में आपका चल रहा है बस आपको अब करना क्या था इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई ही करना है मेरी बात समझे बनेगा किस ऑर्डर का बनेगा आपका ये थ्री और वन का ही बनेगा आपका तो चलिए थ्री और वन का बनेगा क्लियर है जी बात समझे तो थ्री ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर पी क्यू एंड आर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बात समझे तो पी क्यू आर और वन किसको को, को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो है यहां पर आपके वन ये आवर है ये मशीन इतने इतने आवर रन कर रही है तो आवर क्लियर है जी बात समझे तो यहां पर मैं पी के बारे में बात करता हूं दस इंटू चौवन सबसे पहले टेन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स एंड प्लस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स अगेन अब नेक्स्ट हमारे पास है रो तो रो चेंज होगा तो यहां भी चेंज होगा तेरह गुना चौवन प्लस ग्यारह गुना छियालीस प्लस बीस गुणा अड़तालीस थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूं कोई बात नहीं अरे यार ये गड़बड़ी हो गई प्लस पंद्रह गुना हम्म तो क्या है टेन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स एंड फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट थर्टीन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर ट्वेल्व इलेवन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी फोर एटीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सिक्स और फोर्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट क्लियर है जी बात समझे अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो 540 हो गया आपका प्लस सॉल्व करेंगे बार चिक बहत्तर का दो और हमारे पास में आ गया सात और बार चुक अड़तालीस अड़तालीस और सात अड़तालीस और दो ये पचपन हो गया आपका ठीक है और हम सॉल्व करेंगे यहां पर पंद्रह अठे एक सौ बीस जीरो और बारह पंद्रह चौके साठ और बारह बहत्तर ठीक है जी सॉल्व करेंगे तेरा चौके बावन दो पांच तेरा बच्चे पैंसठ और पांच सत्तर ग्यारह से मल्टीप्लाई करेंगे छह चार दस और एक चार एक पांच मल्टीप्लाई करेंगे अड़तालीस दोनों छियानवे जीरो सॉल्व करेंगे सोलह सोलह चौके चौसठ का चार छ सोलह पंचे अस्सी और छियासी सॉल्व करेंगे यहां आप पर आपके पास में अठारह अठारह चे एक सौ आठ जीरो सॉरी आठ दस आ गया ठीक है और अठारह चौक बहत्तर बहत्तर और दस बयासी यहां पे सॉल्व करेंगे ये समझ में आया ही नहीं आपको क्लियर है जी तो यहाँ पर आप ये क्लियर है या नहीं आपके पास में क्लियर है तो यहाँ पर चौदह ठे एक सौ बारह ग्यारह कैरी हो गया चौचों के छप्पन छप्पन और एक संतावन और दस सरसठ ठीक है जी सॉल्व करते हैं अब इसको ऐड करेंगे हम यहाँ पर तो मेरे पास पे कितना आ जाएगा जीरो और दो और एक जीरो तो कितना जाएगा दो दो पांच सात सात चार ग्यारह एक सात और पांच बारह बारह पांच, सत्रह और एक अठारह, जीरो छ और दो तो कितना हो गया आठ नौ, पांच चौदह चौदह और आपका सात इक्कीस ठीक है सॉल्व करेंगे दस और चार चौदह सात और दो नौ नौ और पंद्रह और एक सोलह छ और चौदह चौदह और आठ चौदह और आपका आठ बाईस और एक तेईस बिल्कुल ठीक क्लियर है जी समझ गए कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज आप पूछेंगे भाई यहां तक कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको पेपर में तो चिंता ही छोड़ दीजिए पहले क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा सारा पेपर के अंदर आप करोगे पूरा फटाफट पेपर आप टाइम से पहले पूरा पेपर अच्छे से अटेंप्ट करके आंसर निकाल करके आओगे पेपर में क्योंकि हम कोई हड़बड़ाहट में नहीं कर रहे हैं बीच बीच में से हम नहीं पढ़ रहे हैं हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं और अच्छी को समझ रहे हैं क्लियर है जी समझ गए तो अब ऐसे ही हमारे पास पे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि पेपर में आए हुए हैं कि मिस्टर ए वेंट टू अ मार्केट टू परचेज थ्री के जी ऑफ सुगर टेन के जी ऑफ वीट एंड वन के जी ऑफ सॉल्ट क्लियर है जी तो आपके पास में ये शुगर और आपके पास में व्हीट और सॉल्ट थ्री कैटेगरीज है इन अ शॉप

नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे अगली कक्षा में ठीक है जी तो बिजनेस मैथ्स इतना बिजनेस मैथ के पीछे छूट जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। हर यूनिट हर यूनिट इक्वल वेटेज आपका रखता है दूसरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी कोई भी हेल्प आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको खुद समझना होगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी फिर आप पेपर में जाएंगे तब जाकर के आपका अच्छा स्कोर होगा अब देखिए 2011 आज से बहुत पुरानी बात है ये तब ऐसा सवाल आपके डाल रहा है आज आप इस सवाल को सॉल्व करने का कंडीशन में नहीं है और आज के टाइम पे सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कैसे सॉल्व करोगे आप तो इसलिए इसीलिए तो मैं यहाँ पर एक सवाल नहीं बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कुछ लेकर के आया हूँ आपके सामने सबके आंसर्स वगैरह भी तो ये सब कुछ सॉल्व करेंगे हम ठीक है जी मिलते हैं फिर अगली कक्षा में थैंक यू ये पीडीएफ आप तक तो आ गई होगी ना थैंक यू जी थैंक यू सो मच अगली क्लास में मिलते हैं और पीडीएफ नहीं आई है तो मुझे बस अभी आप दस मिनट का समय दीजिए मैं अभी फ़ोन करता हूँ बोलता हूँ पीडीएफ सारे के सारे पीडीएफ अभी शेयर कर दे ठीक है जी साक्षी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच अगली क्लास का टाइम हो गया है बस Thank you, Ji.